डियर स्टूडेंट्स uh, मैंने आपसे लैंग्वेज डेवलपमेंट में नेचर एंड नर्चर के रोल के बारे में बात करनी है नेचर मीन ऑल दो थिंक विच आर चाहे चिल्ड्रन इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स एंड नर्चर मीन द एनवायरनमेंट द एनवायरनमेंट इन विच दे आर लिविंग

और नेचर जो है वो जू बच्चा बड़ा होता है वो इसकाबिल होता है या उसको नेचर की तरफ़ से ये चीज़ें वदियत की जाती हैं उसको प्रोवाइड की जाती हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स को चीज़ों को पकड़ सके नंबर्स को शनाख्त कर सके फेसेस को रेकग्नाइज़ कर सके और लैंग्वेज को वो कुछ बोल सके जैसा कि आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लैंग्वेज जो है ह्यूमन लैंग्वेज है वो साउंड से शुरू होती है साउंड से स्टार्ट होती है और फिर वो साउंड से बढ़ के फोनीम और फोनेटिक्स और फिर उससे बढ़ के आगे वर्ड्स पे जाती है और वर्ड्स से आगे बढ़ के सेंटेंसेस की शक्ल में इख्तियार करती है तो ये सारा प्रोसेस जो है जो अगर हम कहें कि नेचर नेचुरल है और नेचुरल में भी जो मुखलिफ़ इसकी थेरीज़ हैं जिसके बारे में ये इंसान को ये जो चीज़ें पैदशी तौर पर बाई बर्थ के दी गई हैं बिहेवियरल जेनेटिक्स जो है वो ये क्लेम करती है कि टेंडेंसी अपीयर्स ओनली इन लाइफ एंड रिमेन फेयरली कंटिन्यूस यानी जो बच्चों में ये चीज़ें हैं ये एक रुझान है किसका के फेसिस को रिकिग्नाइज़ करने का नंबर्स को रिकगनाइज़ करने का ऑब्जेक्ट को पकड़ने का या साउंड्स या वर्ड्स बोलने का ये क्या है ये एक टेंडेंसी है जो एक नॉर्मल बच्चे में पाई जाती है और वो ये उसके थ्रू आउट द लाइफ स्पैन जारी रहती है मोर ओवर साइंसिस जो ये कहती हैं दट जीनोम हैज़ अ रिच टूल किट एक्ज्यूम यानी आपका जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम है उसमें बहुत से नर्वस uh, सिस्टम के बहुत से मालिक्यूल्स होते हैं एक्ज्यूम्स होते हैं और uh, वो सेल्स जो हैं वो वो ह्यूमन ब्रेन से चल के पूरी बॉडी में वो मूव कर रहे होते हैं और वो जो मूवमेंट्स हैं या वर्ड्स की रिकगनेशन है या साउंडस की प्रोडक्शन है ये सारा एक बाय नेचर ये नेचुरल प्रोसेस है और ये लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस है और इसमें ये चीज़ें जो हैं वो अहम किरदार अदा करती हैं और इस तरह ये लैंग्वेज की एक्विजिशन पॉसिबल होती है देन नर्चर नर्चर मीन एनवायरनमेंट माहौल माहौल में जू जिस तरह का माहौल ह्यूमन uh, बीइंग्स को मिलता है बच्चों को मिलता है तो वो उस माहौल में उनकी नेचर uh, के साथ साथ नर्चर भी उसमें उनकी लैंग्वेज से में नहायत अहम किरदार अदा करती है देखें अगर लैंग्वेज एक्विजिशन के पीरियड में अगर बच्चे को वो माहौल ना मिले जो ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन साउंड्स के साथ है या उससे उसकी ह्यूमन साउंड्स वाला है तो वो क्या करेगा वो जिस जिस इन्वायरमेंट में होगा और जिस माहौल में होगा या जहाँ उसको जिस तरह की आवाज़ें मैसर आएंगी जैसा कि वो एक बच्चा जो जो जंगल में रह जाता है वो उसको ह्यूमन बीइंग्स की आवाज़ें नहीं मिलती तो वहाँ के जानवरों की आवाज़ें मिलती हैं और वो वही साउंड सीख लेता है और क्योंकि वो उसका लैंग्वेज एक्विजिशन का टाइम था लिहाजा इसमें जो नर्चर भी है ये भी बहुत अहम किरदार अदा करती है और वो मदर्स जो अपने बच्चों से बात करती हैं उनको स्टोरी बुक सुनाती हैं या उनको कुछ और तो वो बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज एक्विजिशन का उनकी स्पीड दूसरों बच्चों से ज़्यादा हो जाती है तो इन जो इन बॉर्न जो सलाहितें हैं या इन बॉर्न जो कैपेसिटीज हैं उनके साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स में इन्वायरमेंटल की इन्वायमेंट के साथ इंटरेक्शन की जो फैसिलिटी है या जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वहाँ अगर वो उसके केयरगिवर्स पेरेंट्स और उसके हमजोली या उसके बहन भाई या वो अगर उससे बातचीत करते हैं उसके साथ प्ले करते हैं तो उससे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी ज़्यादा होगी और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बेटर होगी तो इस लिहाज से हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में नेचर एंड नर्चर का रोल बहुत गहरा है और बहुत इम्पॉटेंट है और ये दोनों ही मिल के लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोसेस को फास्ट करती हैं बेहतर बनाती हैं और वो अच्छे अंदाज़ से बच्चे की लैंग्वेज में एक्विजिशन का मरहला जो है वो कंप्लीट हो जाता है